Friends, good morning to everybody. Today I am going to teach you history class 8 chapter number 3 and the headline of chapter is the Peasants and the Raj. Peasants and Raj. Raj means East India Company, British India. Understand it? British East India Company that is called Raj. Wahi shasan karta tha, wahi Bharat par raj karta tha. एंड ये लेक्चर नंबर 1 है इसका चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इन दिस चैप्टर पीजेंट्स एंड राज वी आर गोइंग टू सी अबाउट सो मेनी सिस्टम ऑफ रिव्यू एंड सो मेनी सिस्टम ऑफ रिव्यू कंपोज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एज वी नो that land revenue was the most important source of the income of the colonial government that is called East India Company in India. So various land revenue system come into practice in British India by the British East India Company. British East India Company में भारत के अंदर लैंड रिवेन्यू की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था क्योंकि लैंड रिवेन्यू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रोथ हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रिवेन्यू पर सो मैनी प्रैक्टिस किया बहुत सारा प्रैक्टिस किया यानी भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न टाइम में भिन्न भिन्न पीरियड में नहीं सेटलमेंट लैंड सेटलमेंट किया और फिर उसको चेंज करते रहा। तो इस तरह से हम अभी लेक्चर नंबर 1 में 3 लैंड सेटलमेंट को दिखाने जा रहे हैं। पहला है परमानेंट लैंड सेटलमेंट, दूसरा है महलवारी सेटलमेंट और तीसरा है रैयतवारी सेटलमेंट। ये सभी निवेशित सेटलमेंट है। लैंड से कैसे टैक्स किया जाएगा इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन किसानों से कैसे हम लैंड टैक्स वसूलेंगे इसके लिए सो मेनी सिस्टम तैयार किया। तो पहला हम देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट यानी रिव्यू सेटलमेंट जो हुआ या फर्स्ट सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट किया गया। तो दिस सेटलमेंट यानी परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट नहीं पेश किया इंडिया में इंडियन किसानों से परमानेंट सेटलमेंट नहीं शुरू किया। अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट द जमींदार्स गॉट हेरिडिटरी राइट ओवर देयर लैंड। इस परमानेंट सेटलमेंट के अनुसार यहाँ के बड़े बड़े जो जमींदार पहले से थे वो अपना हेरिडिटरी राइट को प्राप्त कर लिया उनको और अधिकार मिल गया कि आप छोटे छोटे किसानों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करो और उनसे टैक्स मनवाना दो और उसका नहीं अपना कमीशन देकर रेस्ट पैसा कंपनी को जमा करो। द फार्मर्स बिकेम द टेनेंट्स किसान जो थे जिसको कल्टीवेटर कहा जाता है जो खेत जोतने वाले को कल्टीवेटर कहा जाता है ये टीनेंट बन गए। टीनेंट सब आया है। टीनेंट का मतलब होता है स्मॉल फार्मर हु हैव नो देयर ओन लैंड बट द लैंड बोरो फ्रॉम द लैंड लॉर्ड एंड गिव टैक्सेस। नाउ अडे समझ लीजिए बटाईदारी सिस्टम बटाई जो हम लोग आज कर देते हैं नाउ अडे और आधा हम लोग नहीं उससे आधे अनाज लेते हैं उसी तरह से टीनेंट लोग हो गए और खास करके यह सिस्टम 4 स्टेट में लागू किया गया परमानेंट सेटलमेंट। वह स्टेट था बंगाल बिहार उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। 4 स्टेट में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया। अंडरस्टैंड इट द इनकम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम लैंड रिवेन्यू बिकेम सिक्योर
एंड रेगुलर, यह रेगुलर हो गया। अब परमानेंट सेटलमेंट में रेगुलर देना है टैक्स किसानों को, इसलिए अब उसकी रेगुलर आमदनी हो गई कंपनी की। अंडरस्टैंड इट। अब आएंगे या सिस्टम जो था परमानेंट सिस्टम अधिक दिनों तक नहीं चला, 10 साल के बाद वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब कंपनी को लालच हो गया कि किसान तो खेतों में अनाज बहुत उपजा लेते हैं, लेकिन हमारा जो फिक्स है परमानेंट सेटलमेंट के तहत उनसे अधिक हम राशि नहीं ले पाते हैं, कौन सा नियम निकाला जाए जो उनसे अधिक से अधिक राशि वसूला जाए। तो परमानेंट सेटलमेंट 10 वर्षों के बाद एबॉलिश हो गया और उसके बाद नया सेटलमेंट फिर शुरू किया गया, वह है महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट नहीं, यह सेटलमेंट विलेज लेवल पर किया गया, ग्रामीण लेवल पर। तो महलवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में, मैकेंजी द्वारा नहीं महलवारी सेटलमेंट स्टार्ट किया गया। इस सेटलमेंट की क्या विशेषता थी इसको देखेंगे। तो पहली विशेषता थी, दिस सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस एट विलेज लेवल, यह सेटलमेंट ग्रामीण स्तर पर स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। एंड सेकेंडली द विलेज हेडमैन दैट इज कॉल्ड मुखिया वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रिव्यू एंड पे टू द गवर्नमेंट। और इस महलवारी महल कहा जाए, महलवारी कहा जाता है ग्राम को, यानी ग्रामीण स्तर पर जो सेटलमेंट किया गया महलवारी सेटलमेंट, उसका हेड मुखिया को बनाया गया और मुखिया उसके जवाब दे हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया, वे किसानों से जमीन का रेंट वसूल कर और डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेड करते थे मुखिया, यानी मुखिया द्वारा टैक्स वसूला जाने लगा। थर्ड है इसकी विशेषता, द रेट ऑफ द रिव्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली एंड नॉट फिक्स परमानेंट। मारवाड़ी सेटलमेंट की जो लैंड टैक्सेस का जो रेट था वो पीरियडिकली समय समय पर बढ़ाया जाता था, हाँ यह परमानेंट नहीं था, कि एक बार जो फिक्स हो गया वो परमानेंट रहेगा ऐसी बात नहीं थी। अंडरस्टैंड इट। अब आइए तीसरा है रैतवारी सेटलमेंट। तो रैतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई थी थॉमस मुनरो इन 1820 में, लॉर्ड मुनरो द्वारा, थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया। इन दिस सिस्टम द रिव्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार। इस सिस्टम में जमींदार द्वारा कलेक्शन नहीं होता था, बट वाज टेकन फ्रॉम द रायत और द कल्टीवेटर डायरेक्टली बाय द कंपनी। डायरेक्ट जो खेत जोतने वाले रायत थे वे खुद अपने पैसे को कंपनी के यहाँ जमा कर देते थे, उसके काउंटर पर ले जाकर खुद इसका अपने खेतों का रिव्यू जमा करते थे डायरेक्टली। अंडरस्टैंड इट। दिस सिस्टम कल्टीवेटर बिकेम द लैंड ओनर। और इस सिस्टम में जो खेतिया जो थे, कल्टीवेटर जो थे, ये जमीन के मालिक खुद बन गए। अब उनको जमींदार से पूछ लेना देना नहीं था। बट द रिव्यू वाज वेरी हाई एंड द कलेक्टर रिजिडली दे हैड टू पे इन स्पाइट ऑफ द डिस्ट्रॉयिंग देयर क्रॉप्स। लेकिन इस रेतवारी सेटलमेंट के अंदर रिव्यू जो था, टैक्सेस जो था जमीन का, वह बहुत हाई था और रिजिडली बड़ी कड़ाई के साथ वसूला जाता था, यहाँ तक कि द फार्मर्स हैड टू पे टैक्सेस इन स्पाइट ऑफ द डिस्ट्रॉयिंग देयर क्रॉप्स। किसानों को अपने फसल बर्बाद होने के बावजूद भी टैक्स देना पड़ता था। द पीडेंट्स वेयर
ओवर बॉर्डर विद द हेवी टैक्सेस दे ऑफन हैड टू टेक लोन टू पे द लैंड टैक्सेस। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों को जो टैक्स हाई था और आमदनी कम थी, जिसके कारण उन्हें कर्ज लेकर टैक्स को देना पड़ता था और किसान हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। इसके कारण यह जो व्यवस्था थी, किसानों को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने इसका रेसिस्ट किया, विरोध किया और कुछ वर्षों के बाद ये भी सिस्टम समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे हम, रेस्ट नेक्स्ट वीक। अंडरस्टैंड इट।